कभी इनकी उंगलियों को घटम बजाने के लिए बेहद नाजुक बताया गया था, लेकिन आज जब ये उंगलियां घटम पर थिरकती हैं तो लोग अद्भुत संगीत में खो जाते हैं। ये हैं सुकन्या रामगोपाल, जो कर्नाटिक संगीत में पहली महिला घटम वादक बताई जाती हैं। सुकन्या रामगोपाल जाने माने संगीतज्ञ हरिहर शर्मा को अपना शुरुआती गुरु बताती हैं। वो कहती हैं कि हरिहर शर्मा उनके पिता समान हैं और उनकी एक बात वो कभी नहीं भूल सकती। अगर हम उसे घटम सिखाते हैं तो यह हमारे स्कूल के लिए गर्व करने वाला पल होगा। और एक और बात यह है कि घटम महिला पुरुष में भेद नहीं करता। मुझे यह बात दिल तक छू गई थी। ये बात मेरे गुरु ने मुझसे कही थी। हरिहर शर्मा सर मेरे मेंटोर थे। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुम बर्कले जाओ और बच्चों को पढ़ाओ, मैं इसे एक घटम कलाकार बनाऊंगा। सुकन्या रामगोपाल पहले मृदंगम सीखती थी, लेकिन घटम की आवाज ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया और उनकी इसी ललक को गुरु हरिहर शर्मा ने समझा। 18 साल की सुकन्या रामगोपाल को शुरुआत में उंगलियों और कंधों में काफी दर्द होता था, लेकिन वे रुकी नहीं। एक साल बाद विक्कू विनायक राम ने सुकन्या को घटम बजाते देखा तो वो हैरान रह गए। अब उनके गुरु बने विक्कू विनायक राम और फिर शुरू हुआ कार्यक्रमों में जाने का सिलसिला। लेकिन सुकन्या के लिए राह इतनी आसान नहीं थी। एक मृदंगम कलाकार मेरे साथ परफॉर्म नहीं करना चाहते थे क्योंकि मैं एक महिला थी। उस दिन मैं बहुत उदास हुई और बहुत ज्यादा रोई। फिर मैंने सोचा कि मेरी कला यूं ही व्यर्थ नहीं हो सकती। मैंने घटम को सेंटर स्टेज पर लाने का फैसला किया। सुकन्या रामगोपाल सबसे मुश्किल समझे जाने वाले मदुरई घटम का इस्तेमाल करती हैं। इसका वजन लगभग 5 किलो होता है। कर्नाटिक संगीत के लिए 3 तरह के घटम का इस्तेमाल होता है, जिनमें एक है बेंगलोर घटम, दूसरा है मद्रास घटम और तीसरा है मदुरई घटम। चाहे बेंगलोर घटम हो, मद्रास घटम हो या माना मदुरई घटम हो, ये सभी मेरे लिए बच्चे जैसे हैं। जब मैं घटम बजाती हूँ तो उसे अपने पास अच्छे से पकड़ती हूँ। घटम के साथ ही मेरा माँ बच्चे जैसा नाता है। मैं तो कहती हूँ कि मेरे घर में 100 से ज्यादा बेटियाँ हैं। मैं इसी तरह सोचती हूँ। सुकन्या रामगोपाल ने घट तरंग रचना को एक नया रूप दिया है। उन्होंने कई रागों और तालों को बजाया है। उन्होंने एक ऐसा ग्रुप भी बनाया जिसमें सभी वाद्य यंत्र महिलाएं ही बजाती हैं।